अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई, इसको हमने सबसे पहले सिंपलीफाई करना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले आप इसको सपोज कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें अंडर रूट ऊपर नीचे हर जगह इसमें अंडर रूट आ गया। तो ये हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ये प्लस को हमने माइनस के साथ कर दिया, ठीक है, और नीचे भी 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आपका जो है ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद देखें, ऊपर आप आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस टू, इनको हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और नीचे भी इनका जो है ये कैंसिल कर दें। यहाँ पे आपका एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 1 से ऊपर आ गया 2 माइनस 2 अंडर रूट। यहाँ पे ये देखें, ये जो लास्ट स्टेप था हमारा, यहाँ पे आपका आ गया 2, ये 1 प्लस 1, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्स से कैंसिल हुआ है, ये 1 है, 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे है 2x। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अभी हम इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं कि ऊपर से भी 2 कॉमन ले लें और नीचे से भी 2, आपका पहले ही ऑलरेडी इसको इसके साथ कैंसिल कर लिया, अब ये आपकी वैल्यू सिंपलीफाई हो गई। अब हमारे पास वैल्यू रह गई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। अब आपको नज़र आ रहा है ये एफ ओफ एक्स ओवर जी ओफ एक्स वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव खोलने के लिए हम वही बाय कोशेंट रूल हम इसको ओपन करेंगे। कोशेंट रूल के लिए जी ओफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ओफ एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एफ ओफ एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी ओफ एक्स एज इट इज़, एफ ओफ एक्स एज इट इज़। अब हम लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ एक्स ले लेंगे। अब इसका आगे सॉल्व करने के लिए x, और यहाँ पे देखिए हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और इसकी पावर क्या दी हुई है 1/2, माइनस साइन पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम कर दें, 1 माइनस 1/2 इक्वल है माइनस 1/2 के, लिए हम कई दफ़ा लास्ट क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, ठीक है, 1 माइनस 1/2, यहाँ पे आपकी है ना 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2 के। उसके बाद देखें, और फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है वो तो 1 ही होता है, अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ किसका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और माइनस यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखें आपका डेरिवेटिव खुल गया, अब हमने इसको सिंपल सिंपलीफाई करना है। अब सिंपलीफाई करने के लिए देखें, माइनस यहाँ पे आपका है एक्स, एक्स बाय टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये इसको जो पावर माइनस ही ना, इसको मैं नीचे ले गई और इसको अंडर रूट में लिख दिया। यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 2x, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके अभी साइन चेंज करके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं ताकि ये सिंपलीफाई हो जाए। ये देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ वैल्यू रह गई एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर का हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में क्या वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, अब देखें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर आ गया, तो यहाँ रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर
जो है वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 1 - √1 - x² ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 - x². ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये तकरीबन हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15 में है एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो इसको भी सबसे पहले लेट वाई इज इक्वल टू हम कर लेंगे एक्स, इसको आप इस तरह लिख दें ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए प्लस एक्स है ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। यानी कि ये आपको देखें दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये एक एक्स वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपका इसी क्वेश्चन में आया है, पहले भी मैंने आपको उसको बताया था कि प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास दो फंक्शन हो जाएँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरीवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब इसको खोलने के लिए आप देखें डेरीवेटिव जब हम इसका लेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन अब आपका है यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। इसके ऊपर आप होल अंडर रूट भी डाल सकती हैं, ठीक है, 1/2 इसको लिख दें। अब यहाँ पे देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस यहाँ भी एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका जब हम डेरिवेटिव खोलेंगे पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से हम एक काम करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स यानी कि ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स का हमने फिर डेरिवेटिव लेना है। अब आपका है ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस 1/2। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे, तो इस तरह इसकी जो पावर है वो 1/2 प्लस हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव खोलने के लिए हम फिर क्वेश्चन रूल लगाएंगे एफ ओफ एक्स ओवर जी ओफ एक्स। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, ये इस एक्सरसाइज में आया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही। तो इसको करने के लिए a माइनस एक्स जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स, इसको तो आप फर्स्ट वैल्यू को तो हम एज इट इज़ लिखकर रहने देंगे, ठीक है। अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस 1/2, इनकी भी पावर ऊपर नीचे अलग कर दें, ए माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर ए प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे देखें यहाँ पे नीचे आ रहा था ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखें यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है कि यहाँ पे हमारा हो गया a माइनस एक्स जो है वो एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव है वो किसके a का जो डेरिवेटिव कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो गया, x का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस a प्लस एक्स एज इट इज़ और यहाँ पे a माइनस एक्स का हमने खोलना था, a का ज़ीरो हो गया और माइनस x का माइनस 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आप अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस 1/2 ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ए माइनस एक्स की पावर 1/2 ना, तो इसको हम नीचे भी लेके जा सकते हैं, इसको हम नीचे ले जाते हैं या हम लिख देते हैं ए प्लस एक्स की पावर 1/2 जो बाकी वैल्यू हमारे पास बची है। और इसके साथ ही नीचे था आपके पास ए माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, इसकी पावर में हम ये -1/2 यहाँ पे कर देते हैं, 2 - 1/2 और ऊपर जो आपकी वैल्यू ये बच गई है ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ए और प्लस एक्स 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 से कैंसिल हो गया।
आपके बाकी वैल्यू रह गई a प्लस एक्स ओवर अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a ओवर 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर 1/2 और a माइनस एक्स की पावर, a माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ये है कि हमने इसका एलसीएम ले लेना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दे, जो नहीं कैंसिल होते उनको रहने दे। यहाँ पे देखिए a प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा और इसमें से जो बड़ी पावर कौन सी है, a माइनस एक्स की पावर 3/2, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखें जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 3/2 से हम 1/2 को जो माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 1 2/2 और 1 ही बच गया। अंडर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और प्लस a, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये लास्ट आप उसके बाद आपने देख लेना है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो इतना आंसर।